हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल टारगेट गोल्डन नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे क्लास एट्थ के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट है। अगर वो आपने नहीं करी है तो वो आप जाके उसे कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 सो यू गेट 1/8, वॉट इज द नंबर। तो वो नंबर क्या है, इनका कहने का मतलब ये है कि इफ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से, ठीक है। तो कोई एक नंबर है, नंबर मान लिया हमने क्या x, उसको माइनस करते हैं हम क्या 1/2, हमने माइनस कर दिया। उसका जो रिजल्ट आता है उसकी मल्टीप्लाई होती है कितने से, 1/2 से, ठीक है। तो आपको कितना मिलता है, सो यू विल गेट 1/8। तो नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो इसमें हम क्या करेंगे, x माइनस 1/2 मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो 1/2 है इसको मैं क्या करूँगा, ब्रेक, ये वाला जो 1/2 है इसको मैं क्या करूँगा, इक्वल के उधर साइड में लेके जाऊँगा, ठीक है। सो 1/8 मेरा क्या रहेगा, ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ये इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बट जाएगा किसमें आपका, ये मल्टीप्लाई में भी, ठीक है। तो 2 × 1, 2 ऊपर आ गया, 1 कहाँ आ गया, ये नीचे आ गया। सो यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ, 1 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, एक्स माइनस, सो ये हो गया हमारा एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या रह गया हमारा 1/4, ठीक है। अब हमें इसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बेटा, x की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब ये इधर साइड में किस में, माइनस में, इक्वल के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ मैं कर दूंगा इसका ये। सो अब हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर अब हमारे क्या हैं, अलग अलग हैं। सो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम इसका लेना पड़ेगा। तो एलसीएम जो इसका आएगा वो आएगा क्या, 4 आएगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन पे आ जाते हैं, इसकी डिवाइड करेंगे, इससे कितनी बार जाएगा, 1 बार, ऊपर वाला डिजिट वैसे लिख देंगे, बीच में प्लस हो जाएगा। इसकी डिवाइड करेंगे इससे कितनी बार जाएगा हमारा, ये 2 बार जाएगा, ऊपर वाली डिजिट हमने 1 वाली ऐसे कैसे लिख दी, 1 1 जा 1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 3/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पैरामीटर क्या दे रखा है हमारे लिए, 154 मीटर दे रखा है। लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ जो है उसकी क्या है, 2 मीटर ज़्यादा है द ब्रेथ से, ब्रिज से आपकी दुगने से 2 ज़्यादा है। वॉट आर द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द पूल, तो हम उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई क्या करनी है, फाइंड करनी है। लेंथ और ब्रीथ, ब्रीथ उसकी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलिए ये सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा ये, ठीक है। तो इसमें एक रेक्टेंगुलर पूल दे रखा है आपके लिए, ठीक है। इसका पैरामीटर आपको कितना दे रखा है, 154 मीटर हमें दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पैरामीटर होता क्या है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर जो होता है, जो उसकी आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर कौन सी, ये बाहर वाली जो लेयर है, इसकी टोटल जो लंबाई होती है ये कितनी लंबी है, उसको क्या बोलते हैं हम, पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। ये साइड क्या होती है, हमारी लंबाई होती है, ये साइड क्या होती है, हमारी ब्रेथ होती है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक है। तो इसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है, लेंथ हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लेंथ मान लेते हैं इसकी क्या, एक्स मान ली, ठीक है। अब ब्रेथ कितनी होती है इसकी, ब्रेथ इसकी क्या है, दुगने से 2 ज़्यादा है, ठीक है। लेंथ के दुगने से 2 ज़्यादा है, तो लेंथ कितनी है हमारी, एक्स, इसका दुगना यानी कि 2, और उससे 2 ज़्यादा है यानी कि +2, ठीक है। तो आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल कितना गिवन है हमें, 154 मीटर। ये यूनिट आपको जरूर लिखनी है, वरना बेवजह आपका हाफ मार्क्स ऐसा का ऐसा ही चला जाएगा बिल्कुल भी, अगर आप यूनिट सेम नहीं लिखेंगे तो, ठीक है। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होता है कितना है हमारा, 2l + b, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ। ये कितना दे रखा है आपके लिए, 154 मीटर। सो इसमें हम वैल्यू हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, 2 ब्रैकेट, एंग कितनी दे रखी है हमारे लिए, एक्स, प्लस ब्रेथ कितनी दे रखी है, 2x + 2 इज इक्वल टू 154 मीटर, ठीक है।
सो अब हम क्या करेंगे, ये टू को जो मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई वाला इधर साइड में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टू एक्स प्लस का टू, ये वाला जो टू है वो मल्टीप्लाई में से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 154 अपॉन में टू, ये आ जाएगा यहाँ। इसको जब मैं कट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 77। तो क्या मैं अब इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, एक्स टू एक्स टू इजिकल टू 77। ये कितना हो जाएगा, x प्लस टू एक्स कितना हो जाएगा मेरा, 3x प्लस टू इजिकल टू 77। 3x इजिकल टू 77 माइनस का 2, ये प्लस का है इधर साइड में आके कितना हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा मेरा, 75। अब 3x इजिकल टू 75 है तो x की वैल्यू हम निकालेंगे, 75 अपॉन में 3, 3 2 जा और 3 5 जा, तो x इजिकल टू कितना आ गया हमारा, एक्स इजिकल टू आ गया 25। एक्स इजिकल टू आ गया कितना, 25। अब क्या करेंगे हम, एक्स का मतलब क्या आ गया हमारा, लेंथ हमें मिल गई, लेंथ हमें मिल गई कितनी, 25। ठीक है, अब ब्रेथ कितनी दे रखी है, तो सबसे पहले आप ब्रेथ को इसको पूरा का पूरा लिख लीजिए, 2x प्लस का 2। ठीक है, x की वैल्यू तुम्हें क्या होगी, मिलकी 25 होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस का 2, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ मैं, ये कितना आ जाएगा मेरा, 50 प्लस 2, तो ब्रेथ कितनी हो गई हमारी, इजिकल टू 52। और लेंथ हमारी कितनी है, लेंथ हमारी कितनी दे रखी है, 25। होप सो आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।